हेलो विनर्स, वेलकम बैक। तो OEX के टोकन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर फाइनली कंप्लीट पिक्चर क्लियर हो गई है और सबसे बढ़िया गुड न्यूज बैक टू बैक सारे OEX माइनर्स के लिए, जो OEX कॉइन्स का कलेक्शन आपने किया है उसमें से कितने परसेंटेज टोकन हमें TGE इवेंट के टाइम पे मिल रहे हैं, यानी कि टोकन जनरेशन इवेंट। और टोकन जनरेशन इवेंट एक ऐसा इवेंट जिस इवेंट पे एक्सचेंजेस, टॉप टीयर वन एक्सचेंजेस के ऊपर OEX कॉइन्स का लिस्टिंग हो रहा है और प्रोबेबली वैल्यू के रिगार्डिंग भी एक खास अपडेट्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो $5 से लेकर $10 to $11, $12 तक जाने की भी पोटेंशियल यहाँ पर रखता है। एक OEX टोकन का प्राइस अगर INR में कन्वर्ट करेंगे तो 400 rupees से लेकर 800 rupees तक एक OEX का कॉइन का प्राइस। तो कितने कॉइन्स को आपने दोस्तों कलेक्ट कर लिया, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना और साथ ही में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना और अपने टीम मेंबर्स के साथ खास करके शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, उनको भी अलर्ट कर देना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट अनाउंसमेंट हमारे सामने आ गए है। OEX कॉइन्स के टोकन एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, कितना प्रॉफिट आप बुक कर रहे हैं इसके टोकन लिस्टिंग के टाइम पे और कहां पर सेल करना हमें सबसे ज्यादा कन्वीनियंट होगा, जहां से सीधा बैंक अकाउंट के थ्रू आप विड्रॉल ले रहे हैं, लाइक कोर डाओ ने जैसे इनिशियली $7 का लिस्टिंग हमें दिया प्राइस के साथ, तो बहुत सारे मेंबर्स ने बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट को बुक किया। फिर से और एक बार मौका बन गया है OEX के साथ और साथ ही में OG कॉइन्स का भी और कोलेंट कॉइन्स का भी एयरड्रॉप विड्रॉल स्टार्ट हो गया है। अगर आपने वॉलेट को लिंक अगर कोलेंट के साथ अभी तक किया नहीं होगा, अभी रिसेंटली कल की डेट में हमने आपके लिए वीडियो अपलोड कर दिया है, जहां से वीडियो को देख के वॉलेट को लिंक कर लीजिएगा, क्योंकि एक पॉइंट में भी आपने कलेक्शन कोलेंट कॉइन्स का किया होगा तो वैल्यू बहुत अच्छी, क्योंकि टोटल सप्लाई कम है। दोस्तों अभी बात करेंगे अपने OEX कॉइन्स के एलोकेशन के बारे में। तो सबसे पहली गुड न्यूज हमारे सभी माइनर्स के लिए यह है कि मार्केट के अंदर जो टाइम अभी शुरू है वो सबसे बढ़िया टाइम शुरू है। इससे बढ़िया टाइम किसी भी क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट लॉन्च के लिए नहीं होने वाला है, क्योंकि बिटकॉइन फिर से अपने एक ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है, जैसे $72,000 जोन। यहाँ पर इम्पैक्ट इसलिए यहाँ पर दोस्तों समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अदर अल्टकॉइन्स जैसे OEX, पाई कॉइन, कोरडाओ, कोई भी कॉइन ले लो, OG कॉइन, इनका जो वैल्यू निर्भर करता है बिटकॉइन प्राइस के ऊपर, ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। बिटकॉइन अगर अपने ऑल टाइम हाई को टच करता है इस टाइम के दौरान और न्यू रिकॉर्ड्स को सेट करता है, सारे रिकॉर्ड्स को, ओल्ड रिकॉर्ड्स को ब्रेक करता है, तो सारे जो अल्टकॉइन्स यहां पर जैसे आप देख रहे हैं सोलाना, XRP, टॉन, डोज, TRX, शिबा जैसे मीम कॉइन्स भी बुल रन के अंदर 50x तक के यहां पर प्रॉफिट्स दिए, ऑलरेडी रिसेंटली 100x भी दिए, जो मेंबर्स ने हमारे कहने पे सबसे स्टार्टिंग में डोज कॉइन का प्राइस जब भी पैसों में भी नहीं था, सेंट्स में भी नहीं था, तभी यहाँ पर एंट्री लिया था, वो मेंबर्स ने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स को बुक किया है। और अभी फिर से आपके पास OEX विदाउट डूइंग इन्वेस्टमेंट मौका दोस्तों बन गया है। तो ये जो मार्केट का कंडीशन दोस्तों अभी के समय पर चल रहा है ना, ये सबसे ज़्यादा बढ़िया कंडीशन चल रहा है। फिर से एक बार बुल रन स्टार्ट होने के डीप स्ट्रॉन्ग चांसेस इसलिए हैं क्योंकि जैसे ऑल टाइम हाई और जो हाविंग बिटकॉइंस का कंप्लीट जहाँ पर होता है उस टाइम के हमें और एक बार साइकिल देखने को मिलता है और फिर से ऑल टाइम हाई स्पाइक्स के स्पाइक्स जो मूवमेंट से यहां पर बिटकॉइन फिर से ट्रेड कर रहे हैं, अदर अल्टकॉइंस भी ट्रेड कर रहे हैं और साथ ही में अभी जो आगे आने वाली साइकिल है वो और न्यू यहां पर रिकॉर्ड्स को सेट कर रही है। तो किसी भी क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट के लिए इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता। और कोरडाओ की बात करेंगे तो डाउन ट्रेंड में लॉन्च होने के बाद भी $7 का इनिशियल लिस्टिंग प्राइस हमें दिया था और अभी फिर से मौका बन रहा है OEX का, तो समझ लो अब ट्रेंड में कितना प्राइस बन सकता है। तो सबसे पहले ये गुड न्यूज हमने आपके साथ शेयर कर दी कि इससे बढ़िया कोई और समय यहाँ पर OEX कॉइन्स की लिस्टिंग को लेकर नहीं होने वाला है। सेकेंड गुड न्यूज इज दैट टोकन एलोकेशन की बात करेंगे तो कम्युनिटी रिवॉर्ड्स में 30% स्टेकिंग रिवॉर्ड्स के लिए अभी ये जो एलोकेशन है स्टेकिंग रिवॉर्ड का दोस्तों, जो आपको कॉइन्स मिले उनको भी स्टेक करके आप इसके ऊपर एज लाइक इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं एक्स्ट्रा। और अगर आप नहीं स्टेक करना चाहते हैं तो वैसे भी आपके कुछ कॉइन वेस्टिंग पीरियड में जाने वाले हैं, बट कुछ ही कॉइन जाने वाले हैं TGE के टाइम पे आपको बहुत अच्छे अमाउंट में कॉइन मिल रहे हैं, इस यहाँ पर एलोकेशन में आपको पता चल रहा है। कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 20% रखा गया है, जो एयरड्रॉप सतोशी
इस मिस्ट्रेस ऐप प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट हुआ, उसके थ्रू हमने जो कॉइन्स का कलेक्शन किया वहां पर हमें 1 बिलियन कॉइन्स का एयरड्रॉप हुआ, और 1 बिलियन में से अभी कितने कॉइन्स यहाँ पर अपने सारे यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं, अर्ली कॉन्ट्रीब्यूटर्स के लिए 5% है, इनिशियल टीम के लिए यहाँ पर 8% है, मार्केटिंग CEX सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिस्टिंग के लिए यहाँ पर इन्होंने रखे है 3%, जो एक सफिशियंट अमाउंट हमें लगता है, और इससे काफी ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है इसके प्राइस के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर और अवेयरनेस के ऊपर। मार्केटिंग कोल KOL के लिए 2%, मार्केटिंग अदर के लिए 10%, कम्युनिटी डाओ के लिए 20%। जैसे डाओ यहाँ पर आ गया कोर डाओ के जैसा, वैसे यहाँ पर जो सिनारियो है कंप्लीटली चेंज हो गया है, और सारे जो डिसीजन है ऑलमोस्ट कम्युनिटी के बेनिफिट्स में हमें देखने को मिल रहे हैं। कैसे? क्योंकि अगर आप यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे, यहाँ पर अब से कुछ ही समय पहले रिसेंट अपडेट के अंदर ये PDF इन्होंने प्रोवाइड किया है, जिसके थ्रू हम आपको ये सारी चीज़ें शो कर रहे हैं अपने टेलीग्राम पे, खास करके सारे अप टू डेट सिग्नल्स लाइव प्रोसेस के साथ दोस्तों आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और यूट्यूब से पहले जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर पाते, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है, जहाँ से इजिली अपने टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन करके सारे अपडेट्स को अप टू डेट क्विकली गेन कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन अच्छी लगने पर ऑटोमेटिकली आप लोग सब्सक्राइब करते ही है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बेल आइकन को प्रेस करके एक्टिवेट कर लेते तो 2024-2025 फाइनेंशियल जर्नी को स्ट्रांग बनाने में आपसे कोई भी अपडेट आपके मिस नहीं होने वाले हैं। हर क्रिप्टो भाई आपका सपोर्ट में जारी है, आपके भी सपोर्ट की दोस्तों जरूरत होती है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को लाइक कर दीजिए। सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर कितने कॉइन्स होने वाले हैं इस पर निर्भर करता है कि OEX कॉइन्स का प्राइस कितना बन रहा है, क्योंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर कम होगा, डिमांड ज़्यादा होगा, तो प्राइस भी उतने ही रफ्तार से यहाँ पर बढ़ेगा और अपने सारे यूजर्स को यहाँ पर प्रॉफिट ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे आप देखेंगे दोस्तों, 1 मंथ की बात करेंगे, अर्ली कॉन्ट्रीब्यूटर से हमने आपको शो कर दिया, अमाउंट ऑफ टोकन्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, PDF का जो टोटल अपना PDF है ये अपने टेलीग्राम पे आपके लिए इजीली अवेलेबल करा दिया, जहाँ से इजीली आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और पर्सनल स्टडी कर सकते हैं। किसी क्रिप्टो मार्केट के अंदर एंटर करने से पहले आपका स्टडी, रिसर्च, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करने से पहले बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो TGE यहाँ पर इन्होंने बताया, फर्स्ट जो TGE होगा उसके बाद मंथ 1 से लेकर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा 60 मंथ्स के लिए, यानी कि 5 ईयर्स के लिए टोटल डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा। बट चिंता ना करें, आपके लिए जो आपके टोकन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे आप लोग देखेंगे तो TGE के टाइम पे कितने टोकन्स हमें मिलने वाले हैं, तो सबसे पहले अर्ली कॉन्ट्रीब्यूटर्स के लिए 0 टोकन्स है, तो अर्ली कॉन्ट्रीब्यूटर्स हम भी तो आते हैं, हम भी तो हेल्प कर रहे हैं टेस्ट कराने में प्रोजेक्ट की सही से टेस्टनेट फेज के अंदर, ताकि मिनट पे रियल टाइम में कोई भी दिक्कत ना आए। तो 0 टोकन्स है नहीं, ये अर्ली कॉन्ट्रीब्यूटर्स मतलब यहाँ पर सतोशी जो OEX ऐप है उसके अंदर कुछ एयरड्रॉप्स के अंदर पार्टिसिपेट कर मिशंस को कंप्लीट कर ट्रांजेक्शंस कर यहाँ पर कुछ रिवॉर्ड्स को जो क्लेम कर रहे हैं सतोशी जो OEX पॉइंट्स को क्लेम कर रहे हैं वो हो गए अर्ली कॉन्ट्रीब्यूटर्स। तो TGE के टाइम पे उनको कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इनिशियल टीम को भी कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। लिक्विडिटी फेयर लॉन्च के लिए दोस्तों 10 मिलियन टोकन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो टोकन जनरेशन इवेंट के टाइम पे एक्सचेंज है, जैसे कि समझ लो बाइनेंस, कुकॉइन, OKX जैसे एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होता है, तो वहां पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करना जरूरी होता है। लिक्विडिटी प्रोवाइड होने के बाद अमाउंट तो रफ्तार पकड़ेगा ही, बट उसके बाद जैसे हम विड्रॉल करना स्टार्ट करेंगे, कॉइन्स को सेंड करना एक्सचेंजेस के ऊपर स्टार्ट करेंगे सेल करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो वैसे वैसे यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ते जाएगा, राइट? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना होगा, जो FIU compliant India's जो ग्लोबल cryptocurrency, फर्स्ट ग्लोबल cryptocurrency एक्सचेंज है KuCoin, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मेंबर्स को लिंक मिल जाएगा, इजीली आप ज्वाइन कर सकते हैं क्विकली, और जो एक्स्ट्रा बोनस वगैरह साइनअप बोनस वगैरह रहेंगे वो आपको इजीली प्राप्त हो जाते हैं। तो जो FIU compliant एक्सचेंज है उसके साथ वर्क करेंगे तो सक्सेसफुली बैंक अकाउंट के थ्रू विड्रॉल लेंगे, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं इंडिया के गवर्नमेंट के। लिक्विडिटी MM की बात करेंगे तो 90 मिलियन के लिए है। मार्केटिंग CEX टोकन जनरेशन इवेंट के टाइम पे दोस्तों बात चल रही है, सबसे फर्स्ट कॉलम में आपको शो कर रहे हैं लाइव 15 मिलियन है, मार्केटिंग कॉल के लिए 20 मिलियन है, मार्केटिंग अदर के लिए कितना मिलियन है उसके लिए भी 200 मिलियन है। मार्केटिंग अदर मार्केटिंग मतलब अवेयरनेस क्रिएट करना, मार्केट में पता चलना कि कॉइन लॉन्च हो रहा है भाई, और एक्सचेंज जो है OpenX रिवोल्यूशनाइजिंग ट्रेडिंग प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा यूनिक, सबसे ज्यादा हटके कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट में आपको इतनी सारी सर्विसेज ऑर्डर बुक के साथ देखने को नहीं मिलती है, जैसे यूनिस्वैप, LFG वगैरह ये सारे डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है,
उसके बाद पैनकेक स्वैप, वहां पर आप देखेंगे तो सीधा स्वैप करना होता है, आपको ऑर्डर बुक देखने को नहीं मिलती, बट यहाँ पर ओपनएक्स में ये सारी सॉल्यूशंस आपको इजीली अवेलेबल हो रहे हैं। कम्युनिटी डाओ के लिए टोकन जनरेशन इवेंट के टाइम पे दोस्तों कितने टोकन्स हैं? जीरो। कम्युनिटी डाओ के लिए अभी लॉन्च हुआ है तो कोई भी नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन, अभी आ रहा है आपका कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो 400 मिलियन कॉइन्स, 1 बिलियन में से 400 बिलियन कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ईच एंड एवरी यूजर को TGE के टाइम पे। 1 बिलियन का 400 मिलियन मतलब कितना परसेंटेज हुआ? टोटल हुआ 40%। तो आपके पास अगर 1000 कॉइन्स का बैलेंस है तो 40% उसके कैलकुलेट करेंगे तो कितने हो रहे हैं? 400 कॉइन्स, एक अच्छा अमाउंट फिर भी आपको मिल रहा है। 500 मिल जाता तो और भी बेटर हो जाता था, पर 400 कॉइन्स भी मिलेंगे 1000 में से, समझ लो आपने 10,000 कॉइन्स का कलेक्शन किया। बहुत सारे मेंबर्स ने 50,000, 70,000, 80,000 जो मेंबर्स ने एफर्ट्स को पुट किए उन्होंने किया है, और हर क्रिप्टो सपोर्ट पे आपके कोई भी एफर्ट्स बिल्कुल भी फेल नहीं जाते, आपको शुरू से पता है, क्योंकि जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स हमने आपके साथ इंट्रोड्यूस किए सारे के सारे विदाउट डूइंग इन्वेस्टमेंट भी और कुछ मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ भी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो दोस्तों आपने अगर 10,000 कॉइन्स का कलेक्शन किया होगा तो उसमें से 40% निकालेंगे तो 4,000 कॉइन्स इसके TGE इवेंट के टाइम पे आपको मिल रहे हैं, यानी कि 40% एयरड्रॉप को आप क्लेम कर सकते हैं TGE इवेंट के टाइम पे, और 40% को क्लेम करके हम लोग यहाँ पर एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रांसफर करके सेल करके कैश आउट भी कर सकते हैं। सारे लाइव प्रोसेस हर क्रिप्टो कम्युनिटी के साथ आपको मिलने जा रहे हैं। यदि आप लोग हर क्रिप्टो कम्युनिटी के साथ पहली बार बने हैं तो आप हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर 40% की बात हो गई, उसके बाद आगे की बात कर लेते हैं। कम्युनिटी स्टेकिंग रिवॉर्ड्स के लिए जीरो, क्योंकि अभी कोई भी स्टेकिंग लगी नहीं है। सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर कितने कॉइन्स आ रहे हैं ये भी आपको क्लियर हो रहा है, जो है सिर्फ 735 मिलियन, 735 मिलियन, मतलब बहुत कम सर्कुलेटिंग सप्लाई हो रहा है दोस्तों। ये इसको लेकर भी इसके नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। अभी तो हमने आपको बता दिया ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, अभी आपको एक जरूरी सिनेरियो क्लियर कर देते हैं। अगर 735 मिलियन कॉइन्स का टोटल सप्लाई अगर होता है तो ये सप्लाई के अंदर एक अच्छा फंड आता है, तो वैल्यू आपको $5 से लेकर $10 भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर इनिशियली कोई भी बड़ा इन्वेस्टर इसके अंदर एंट्री लेता है, या तो समझ लो टोकन जनरेशन इवेंट के टाइम पे अगर ये सर्कुलेटिंग सप्लाई, जैसे कोर डाओ का सर्कुलेटिंग सप्लाई लॉन्च हुआ था 125 मिलियन के साथ, उससे तो ये ज़्यादा ही सप्लाई के साथ लॉन्च कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात कोर डाओ से प्राइस थोड़ा सा कम हो सकता है, कोर कॉइन से थोड़ा सा कम हो सकता है। जैसे $7 के साथ कोर डाओ का लिस्टिंग हुआ था तो हो सकता है इसका मिनिमम $3 to $4, $5 के अराउंड हो सकता है। अगर $5 भी जाता है तो 400 रुपीज़ INR में कन्वर्ट करेंगे तो 400 रुपीज़ वन कॉइन सेल कर सकते हैं आप, और एक अच्छे प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। और कितने कॉइन्स को सेल कर सकते हैं? 40%। तो आपको 40% का एलोकेशन मिल रहा है इसके TGE इवेंट के टाइम पे, जो कि एक अच्छा एलोकेशन हम मान सकते हैं। जो हम बात करेंगे अगर कोर डाओ के, तो 25% का एलोकेशन आपको मिला था और अभी आपको मिल रहा है 40% का, 15% ज़्यादा। तो समझ लो अगर प्राइस थोड़ा सा कम भी होता है तो एलोकेशन ज़्यादा होने के कारण एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने का मौका हम सभी दोस्तों के पास है। तो बैक टू बैक गुड न्यूज़ आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के अंदर और भी सारे अपडेट्स को डिस्कस करते हैं, ये वीडियो में डिस्कस करने जाएंगे तो वीडियो स्ट्रेच हो रहा है, बट जरूरी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी है हर क्रिप्टो कम्युनिटी के साथ। तो अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके एक्टिवेट कर लेते तो कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट एयरड्रॉप्स आपसे बिल्कुल भी नहीं मिस होंगे। 2024 में हम सभी दोस्तों के फाइनेंशियल जर्नी को सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाना अपना सबसे पहला बड़ा मेन मोटिव है। बिलीव इन योरसेल्फ। फाइनली हमने जैसे बिलीव किया अपने आप में, खुद में बिलीव किया, तो हमें उसके रिजल्ट्स भी अभी मिलना स्टार्ट हो गए हैं, और अभी सक्सेसफुली इसकी टीयर वन एक्सचेंजेस के ऊपर जैसे लिस्टिंग होती है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारा डिस्कशन करते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बहुत शुक्रिया, गुड बाय एंड टेक केयर।